नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज की इस नई वीडियो में। आपको बता दें, भारतीयों की फेवरेट डेस्टिनेशन थाईलैंड भी लॉकडाउन लगाकर बैठा हुआ था और काफी टाइम से जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लगी हुई थी, पर यहाँ पर अब जो है टूरिस्टों के लिए खोला गया है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखी गई है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाले कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सको। अगर आप थाईलैंड की यात्रा करने वाले हो या करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर यहाँ पर जो नॉर्मल वाला वीजा था उसको हटाकर स्पेशल टूरिस्ट वीजा दिया जा रहा है और ये चीज को सितंबर 2021 तक कंटिन्यू रखा जाएगा थाईलैंड में। यानी सितंबर 2021 तक आपको स्पेशल टूरिस्ट वीजा लेकर थाईलैंड जाना होगा। और इसमें क्या है कि जो नई चीज जुड़ी है वो ये है कि यहाँ पर जो प्रूफ ऑफ फंड है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। यहाँ पर आपको एक मेडिकल का प्रूफ लेकर जाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जैसे कि यहाँ पर और थाईलैंड की वीज़ा फीस भी आपको देनी पड़ेगी जो कि है 2000 थाई बाट, यानी करीब करीब 4896 रुपए। और आपको बता दूं कि मेडिकल और ट्रेवल इंश्योरेंस आपको होना चाहिए आपके पास $100,000 का, आपके पास कम से कम मिनिमम प्रूफ ऑफ मेडिकल होना चाहिए और ट्रेवल इंश्योरेंस आपके पास इतना होना चाहिए और जिसकी कवरेज होनी चाहिए COVID-19 कवर करना चाहिए उसको। साथ ही जो मेडिकल की ट्रीटमेंट है उसकी कवरेज करीब करीब 4 लाख थाई बाट तक होनी चाहिए, यानी इंडियन रुपीज में देखा जाए तो 9,69,000 रुपए, और एक्सीडेंट भी इसमें कवर होना चाहिए। तो ये सब कुछ रहेगा तो आपको ये जो थाईलैंड का स्पेशल टूरिस्ट वीजा है ये मिल सकता है। और ये इसमें भी एक और जो नई चीज है वो ये है कि यहाँ पर स्टेट क्वारंटीन होना पड़ेगा, आपको 14 दिनों का स्टेट क्वारंटीन होना पड़ेगा अराइवल पर। तो ये भी एक काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। फिर अपनी आती है नॉर्मल वाले क्राइटेरिया जिसमें कि 72 आवर्स पहले का PCR टेस्ट भी रिक्वायर होगा अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो। और ये चीजें September 30, 2021 तक जारी रहेंगी। तो अब आप बताइए कि आपको इतना सब करके थाईलैंड जाना है या थोड़ा सा इंतजार करना है। प्रोबेबिलिटी है कि अगर वैक्सीनेशन होता है तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों को इजी टू यूज़ कर दिया जाएगा और जल्दी जल्दी जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी। पर जैसे ही कोई थाईलैंड के वीज़ा से रिलेटेड और अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु में, आपका दोस्त नायक। नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।